प्रोजेक्ट ट्रेल के अक्टूबर माह के क्लास 12th के क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करेंगे। जो क्वेश्चन हुआ था प्रोजेक्ट ट्रेल का क्लास 12th का, उसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो क्वेश्चन था ल्यूकास अभिकर्मक, यानी कि ल्यूकास रिएजेंट क्या है। तो चार ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है अम्लीकृत K2Cr2O7, यानी कि एसिडिफाइड K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट दिया है। दूसरा ऑप्शन दिया है अनाद्र मतलब होता है एनहाइड्रस, एनहाइड्रस का मतलब होता है कि उसमें पानी नहीं है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है एवं सांद्र मतलब होता है कॉन्सेंट्रेट HCl का मिश्रण। और तीसरा ऑप्शन दिया है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि जो ल्यूकास रिएजेंट होता है ना वो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और कॉन्सेंट्रेट HCl का मिक्सचर होता है। इसका प्रयोग करके हम 1 डिग्री 2 डिग्री एवं 3 डिग्री एल्कोहल में डिफरेंस करते हैं, हो जाएगा क्या सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन है विलियमसन संश्लेषण, यानी कि विलियमसन सिंथेसिस इनमें से किसके संश्लेषण की एक महत्वपूर्ण विधि है। यानी कि विलियम्स क्वेश्चन हमारा है कि विलियमसन संश्लेषण किस इनमें से किसके संश्लेषण की एक महत्वपूर्ण विधि है, यानी कि विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा हम किसका प्रोडक्शन करते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है एल्डिहाइड, दूसरा ऑप्शन है फिनॉल, तीसरा ऑप्शन है इथर, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ दिस। तो हम जानते हैं कि विलियमसन संश्लेषण जो होता है ना, यानी कि जो विलियमसन सिंथेसिस है, इसका प्रयोग करके हम ईथर का निर्माण करते हैं। तो सही ऑप्शन क्या है, ईथर। अब कैसे होता है तो वो देखते हैं। जब हम कोई एल्किल हैलाइड हमने ले लिया CH3CH2Cl, एल्किल हैलाइड का रिएक्शन जब सोडियम एल्कोऑक्साइड के साथ कराते हैं। अब सोडियम एल्कोऑक्साइड क्या होता है, एल्कोहल का सॉल्ट है। तो जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोऑक्साइड के साथ कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ईथर का निर्माण होता है। देखो यहाँ से Cl और यहाँ से Na निकल जाएंगे, NaCl, और दोनों पार्ट को आपस में जोड़ दो तो हो जाएगा CH3CH2O CH2CH3, बन गया ईथर। इसी रिएक्शन को बोलते हैं क्या, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन संश्लेषण। यानी कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोऑक्साइड के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में करते हैं तो ईथर का निर्माण होता है, और इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन संश्लेषण। यानी कि विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा हम क्या बनाते हैं, ईथर बनाते हैं। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ईथर। थर्ड क्वेश्चन है इनमें से कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। चार ऑप्शन दिया है, पूछा है इनमें से कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। पहला ऑप्शन है CH3OH, दूसरा है CH3CH2OH, तीसरा है SCH2, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप एक चीज़ याद कर लो कि आइडोफॉर्म टेस्ट ऐसे कंपाउंड देते हैं ना जिनमें मेथिल एल्कोहलिक समूह होता है या मेथिल कीटोनिक समूह। यानी कि अगर किसी यौगिक में दिख जाए आपको CH3CHOH या दिख जाए CH3COCO, तो इस समूह को रखने वाले यौगिक ही क्या करते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। यानी कि आइडोफॉर्म टेस्ट कौन से यौगिक देंगे, इसकी सबसे अच्छी पहचान ये है कि यौगिक में CH3CHOH यानी कि मेथिल एल्कोहलिक समूह या CH3CO मेथिल कीटोनिक समूह होना चाहिए। अगर जिसमें यह समूह रहेगा वही क्या करेंगे, आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। आइडोफॉर्म टेस्ट देने का मतलब है कि ऐसे यौगिक रिएक्शन अगर आयोडीन प्लस NH के साथ कराओगे तो आइडोफॉर्म बनेगा। तो हमारा इसमें से सही ऑप्शन दिख रहा है वो बी हो जाएगा, क्योंकि जो CH3CH2OH है इसमें CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए आपका एथेनॉल क्या करेगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। और बाकी जो है मेथनॉल, इसमें CH3CHOH ग्रुप है नहीं, कीटो फॉर्मेल्डिहाइड है इसमें भी CH3CHOH ग्रुप है नहीं, तो ये दोनों तो दे नहीं सकते हैं। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है CH3CH2OH एल्कोहल दिख रहा है, इसमें दिख रहा है हमें CH3CHOH समूह प्रेजेंट है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सिल्वर मिरर जांच देगा, सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। पहला ऑप्शन है HCOOH, दूसरा है CH3COOH, तीसरा है CH3CH2COOH, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं ना कि जो सिल्वर मिरर टेस्ट है होता है ना, इसी को टैलेंट टेस्ट भी बोलते हैं, और टैलेंट टेस्ट कुछ लिमिटेड कंपाउंड ही देते हैं। उनके एग्जांपल हमने लिख दिया कि पहले जितने भी एलिफैटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड हैं ये सब के सब क्या देते हैं, टैलेंट टेस्ट देते हैं, यानी कि सिल्वर मिरर टेस्ट देंगे। दूसरा है कीटोन, कीटोन टैलेंट टेस्ट नहीं देते हैं। तीसरा है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल भी टैलेंट टेस्ट यानी कि सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। और जितने भी अपचायक शर्करा है यानी कि रिड्यूसिंग शुगर, ये सब के सब क्या देती हैं, टैलेंट टेस्ट देती हैं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा पहला, यानी कि HCOOH फार्मिक ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन। अब फार्मिक अम्ल टैलेंट टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट क्यों देता है,
क्योंकि जो फार्मिकॉम्ल होता है ना, ये बाई फंक्शनल कंपाउंड है। देखो इसकी स्ट्रक्चर में क्या है, SCOCWH, तो इस साइड से देखो तो एल्डिहाइड ग्रुप है, इधर से क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो बाई फंक्शनल कंपाउंड होने की वजह से इसमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है और इसीलिए क्या करता है सेलुलर टेस्ट देता है। पांचवा क्वेश्चन है फेलिंग विलयन यानी कि फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है, तो चार ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है क्षार की यानी कि अल्कलाइन कॉपर सल्फेट प्लस रोचेले साल्ट यानी कि रोचेले साल्ट। सेकेंड ऑप्शन है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, और तीसरा है कॉपर आयन साइट्रेट आयन, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं ना कि जो फेलिंग सोल्यूशन होता है ना वो दो मिक्सचर से मिलकर बना होता है, एक होता है फेलिंग सोल्यूशन ए, दूसरा होता है फेलिंग सोल्यूशन बी। जो फेलिंग सोल्यूशन ए होता है वो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है, और जो फेलिंग सोल्यूशन बी होता है ना वो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जिसको हम रोचले साल्ट बोलते हैं और NaOH का मिक्सचर होता है। तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन जा रहा है वो है फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि जो सही ऑप्शन है इसका वो सबसे अच्छा ऑप्शन इसका कौन सा है, फर्स्ट, यानी कि फेलिंग सोल्यूशन है आपका अल्कलाइन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन प्लस रोचले साल्ट का मिक्सचर, यही क्या होता है आपका फेलिंग विलयन, यानी कि सही ऑप्शन है फर्स्ट। छठा क्वेश्चन है एसिड क्लोराइड को निम्न में से किस विधि द्वारा एल्डिहाइड में बदला जा सकता है, यानी कि हमें कन्वर्ट करना है एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में, किस रिएक्शन के थ्रू इसको बदला जा सकता है। तो पहला ऑप्शन दिया है रोजेनमुंड अभिक्रिया, दूसरा है ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया, तीसरा है हॉफमैन विधि, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में बदलने के लिए सबसे अच्छा जो मेथड होता है ना वो सबसे बेस्ट मेथड है रोजेनमुंड अभिक्रिया। क्यों? ये देखो ये एसिड क्लोराइड है, जब एसिड क्लोराइड का रिएक्शन H2PdBSO4 के साथ कराते हैं तो एसिड क्लोराइड का हो जाता है रिडक्शन, और एसिड क्लोराइड का रिडक्शन हुआ तो यहाँ से एक हाइड्रोजन आएगा और एक हाइड्रोजन Cl के पास जाएगा तो यहाँ से निकल सकता है HCl, और C से एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो C कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, RCHO में, यानी कि एसिड क्लोराइड का जब रिडक्शन कराते हैं H2PdBSO4 के द्वारा तो एसिड क्लोराइड किसमें बदल जाता है, एल्डिहाइड में, और इसी रिएक्शन को बोलते हैं रोजेनमुंड रिएक्शन, यानी कि एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि है रोजेनमुंड रिएक्शन। हमारा सातवां क्वेश्चन है एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रिएक्शन FeCl3 के साथ कराया जा रहा है तो बैंगनी कलर आ रहा है, यानी कि बैंगनी रंग बन रहा है। कह रहे कार्बनिक यौगिक है, मतलब कि इसने क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका रिएक्शन FeCl3 के साथ कराया तो वायलेट कलर आ गया, बैंगनी रंग आ गया, तो पूछ रहा है कौन सा कार्बनिक यौगिक है। पहला ऑप्शन दिया है एल्डिहाइड, दूसरा ऑप्शन दिया है कीटोन, तीसरा ऑप्शन दिया है इनॉल, और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं ना कि जब फिनाल का रिएक्शन न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ करते हैं तो वायलेट कलर आता है, और फिनाल है क्या, देखो फिनाल की होते हैं बेंजीन के ऊपर OH लगा दिया किसी को बोलते हैं फिनाल, एक्चुअली देखें तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड है और OH है, इसको हम इनॉल भी बोल सकते हैं, एक तरह से इनॉल है, यानी कि जो इनॉल कंपाउंड होते हैं ना, इनॉल कंपाउंड जैसे कि आपको फिनॉल है वही न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके वायलेट कलर देते हैं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या, सी इनॉल। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, ROH दिया है इसका रिएक्शन कराना है SOCl2 के साथ यानी कि थायोनिल क्लोराइड के साथ पायरिडीन की उपस्थिति में, तो प्रोडक्ट बनेगा, पूछ रहे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। पहला ऑप्शन लिखा है ROR, दूसरा ऑप्शन लिखा है RCl, तीसरा ऑप्शन ROR एंड RCl, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसको रिएक्शन करा के देखते हैं, ROH में तो एल्कोहल है और SOCl2 इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड, तो देखो यहाँ से H और यहाँ से Cl, एक HCl बन सकता है, यहाँ बचा SO और एक ऑक्सीजन लेके बना देगा SO2 गैस, तो यहाँ बच गया एक Cl और यहाँ बच गया R, तो बन जाएगा RCl, यानी कि क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी, यानी कि जब एल्कोहल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं ना तो जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है एल्किल हैलाइड। करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, दिया है फिनाल है, फिनाल का रिएक्शन करना है NaOH के साथ क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में प्लस थोड़ा सा एसिटिक मीडियम किया है बाद में, तो प्रोडक्ट ए बना, यानी कि फिनाल का रिएक्शन करा है क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ फिर इसको लास्ट में एसिटिक मीडियम प्रोवाइड किया है तो प्रोडक्ट ए बन गया। पूछ रहा है कि जो प्रोडक्ट ए है वो क्या होगा, पहला ऑप्शन है सैलिसिलिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है सैलिसाइलिक एल्डिहाइड, तीसरा है बेंजोइक अम्ल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि ये जो कंडीशन है ना, फिनाल है, NaOH है, क्लोरोफॉर्म है, एसिटिक मीडियम लास्ट में, ये रिमर टीमर रिएक्शन की कंडीशन है। तो हम जानते हैं कि जो फिनाल के रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ कराते हैं ना तो बेंजीन रिंग के ऊपर, यानी कि जो फिनाल है उसके रिंग के ऊपर क्या जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो कुछ नहीं करना है, बेंजीन के आर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या जोड़ देना है, एल्डिहाइडिक ग्रुप। ये जो कंपाउंड बना इसको बोलते हैं सैलिसाइलडिहाइड, इसका नाम है सैलिसाइलिक एल्डिहाइड, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या, सैलिसाइल एल्डिहाइड, यानी बी ऑप्शन सही है। इस रिएक्शन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है
कि अगर क्लोरोफॉर्म की जगह CCl4 दे दे, क्लोरोफॉर्म की जगह क्या दे दे, CCl4 NaOH और H प्लस रहे, तभी ये रिमर टिमर ही रिएक्शन है। लेकिन इस कंडीशन में जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सैलिसाइलिक अम्ल, यानी कि यहाँ पे CHO लग के क्या लग जाता, COOH लग जाता। तो आपको ध्यान देना होगा रिमर टिमर दो टाइप्स की है, अगर क्लोरोफॉर्म NaOH लोगे तो सैलिसाइलेट डाइड बनेगा और CCl4 NaOH लोगे तो सैलिसिलिक एसिड बनेगा। तो चूंकि क्वेश्चन में क्लोरोफॉर्म दिया है और NaOH दिया है, इसलिए आपका राइट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सैलिसिलिक डाइड। तो सही ऑप्शन क्या हो गया, सैलिसिलिक डाइड। प्रोजेक्ट रेल के 10वें क्वेश्चन की बात करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन लिखा है CH3COOH, उसका रिएक्शन अमोनिया से करना है, फिर इसको हीट करना है, तो प्रोडक्ट X बन रहा है। ये पूछ रहा है कि प्रोडक्ट X क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया है CH3CONH2, दूसरा दिया है CH3NH2, तीसरा दिया है CH3COOH4 और चौथा दिया है नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। तो पहले रिएक्शन करा के देखते हैं। देखो, हमने ले लिया CH3COOH, इसका रिएक्शन अमोनिया से कराएंगे ना, तो अमोनियम साल्ट बन जाएगा इसका, तो बनेगा CH3COOH4+। ये इस बन गया, और इसको जब हीट करेंगे ना तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, यहाँ से एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन मिलकर वाटर निकाल देंगे, तो बन जाएगा CH3CONH2+ water, यानी कि एमाइड बन रहा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, यानी कि एसिटिक एसिड का रिएक्शन अमोनिया से करा के हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, एमाइड बन जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए।